नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आपका स्वागत करता हूं लर्न वेल चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी एक वीडियो में बताऊंगा कि टैली प्राइम को हम लोग कैसे यूज करेंगे, और जो भी नए लोग हैं वो भी अच्छे से सीख सकते हैं, जो पुराने लोग हैं वो भी अच्छे से सीख सकते हैं। तो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं टैली प्राइम का 3.0 वर्जन। इस एक वीडियो में ही आपको सारी चीज़ें टैली के बारे में बता दी जाएंगी। अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हैं, टैली बिल्कुल ही आपको नहीं आता है, तो भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। इस वीडियो को देख के आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं, इवन आप पूरे तरीके से टैली चलाना सीख जाएंगे। अगर आप कॉमर्स फील्ड से नहीं हैं तो भी आप इस वीडियो से टैली चलाना सीख सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा डेबिट क्रेडिट के बारे में भी आपको बताऊँगा। अगर आपका डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्लियर होना ज़रूरी है टैली सीखने से पहले, या कॉमर्स फील्ड में आने से पहले, या आप अगर अकाउंटिंग वगैरह करते हैं, डेटा एंट्री भी करते हैं, तो भी आपको डेबिट क्रेडिट सीखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये मेरा टैली प्राइम से रिलेटेड ये सारे मैंने चार्ट बना के रखा हुआ है। तो टैली प्राइम अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग डेबिट क्रेडिट होना ज़रूरी है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आर्किटेक्चर इसका टैली का क्या कैसा है 3.0 का, उसके बारे में आपको बताऊँगा। इसकी होम स्क्रीन में क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद अपने नेविगेशन कीज कौन कौन से होते हैं, यानी कि आपके शॉर्टकट कीज या नेविगेशन कीज उसको बोल लीजिए, जो सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती हैं टैली को चलाने के लिए, और बहुत ही सिंपल कीज हैं। इन दो कीज के बारे में पता है तो आप पूरी टैली हैंडल कर सकते हैं। मैं सिर्फ दो की ही बात कर रहा हूँ, बाकी कीज तो आप शॉर्टकट कीज वगैरह बहुत सारी हैं। दो की अगर आपको पता है तो आप पूरा टैली हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखें कंपनी क्रिएशन में हमें क्या चीज़ों को क्या कैसा ध्यान देना रहता है। फिर हमारा फीचर सेटअप करेंगे कि अपना F12 F11 करने से कौन कौन से फ़ीचर हमें इनेबल करने रहते हैं, जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं। उसके बाद डेटा एंट्री करेंगे, डेटा एंट्री में आपका मास्टर हो जाएगा और वाउचर की एंट्री हो जाएगी। उसके बाद फिर रिपोर्ट्स भी देखेंगे, और फिर हम लोग डेटा शेयर कैसे कर सकते हैं, उसको प्रिंट वगैरह कैसे निकाल सकते हैं, मेल कैसे कर सकते हैं, PDF वगैरह हम डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो इस एक वीडियो से आप पूरी तरीके से टैली सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग डेबिट क्रेडिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, डेबिट अपना वो चीज़ होता है जहाँ पे आपका पैसा पहुँच रहा है, और क्रेडिट वो चीज़ होता है जहाँ से आपका पैसा निकल रहा है। तो अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादातर पैसे की ही लेन देन की बात होती है, या तो अपने आइटम वगैरह स्टॉक वगैरह रहते हैं उसके लेन देन की बात होती है। तो आपका जहाँ भी पैसा पहुँच रहा है उसको आप डेबिट करेंगे, और जहाँ से निकल रहा है उसको आप क्रेडिट करेंगे। अगर इसको और आप सिंपल तरीके से समझना चाहें, लोकल लैंग्वेज अगर उसको आप बोल लीजिए, या जो भी लैंग्वेज आप बोल लीजिए, आप लोकल लैंग्वेज में अगर उसको समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं। तो यह दोस्तों अपने पास में एक बॉटल, ठीक है। अब इस बॉटल में मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे आपका ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। इस बॉटल में अपना पानी भरा हुआ है। अब ये अपना बॉटल समझ लीजिए एक कैश है, या कोई भी बैंक है, अपना बैंक अकाउंट है, ठीक है, या कैश है, आपका कैश बुक है ये, ठीक है। अब इसमें से अगर आपका पैसा निकल के कहीं पे जाए, यानी कि अब यहाँ से अगर अपन पानी निकाल देते हैं, ठीक है, एक ये अपने पास में एक गिलास है। अब यहाँ से मैं पानी निकाल के इस गिलास में डाल देता हूँ। तो इसको इस तरीके से आप समझिए कि अब ये जो गिलास है ये होगा डेबिट, ठीक है। पानी अपना कहाँ से निकला, इस बॉटल से पानी निकल रहा है, तो ये बॉटल हो जाएगा अपना क्रेडिट। तो सेम वही कॉन्सेप्ट आपका हर जगह लगेगा डेबिट क्रेडिट वाला। आपका जहाँ पे भी कोई चीज़ पहुँच रहा है, जो पहुंचने वाली जगह है, जहां पे भी आपका चीज़ पहुंच रहा है, पैसा पहुंच रहा है, वो हमेशा डेबिट होगा। उसके लेज़र को आप डेबिट करेंगे, उसके नाम से आप एक लेज़र बनाएंगे, उसको हमेशा आपको डेबिट करना रहेगा। और जिस भी अकाउंट से आपका पैसा निकल रहा है, या जिस भी जगह से, जिस भी लेज़र से आपका चीज़ें निकल रही, पैसा निकल रहा है, वो आपका हमेशा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर वापस यहाँ से आप इसके अंदर में डालते हैं, जैसे एक ग्लास में ले लिया किसी ने, बाकी उसने यूज किया और वो बोलता है भैया मेरे पास में 10 रुपये बच गए हैं, आप वापस ले लो। तो आप वापस लेते समय आप ग्लास को 10 रुपये से क्रेडिट कर देंगे, वापस लेने की कंडीशन में आप क्रेडिट करेंगे 10 रुपये को। और फिर आपका जो कैश रहेगा, कैश आपने जो कैश लेजर बना के रखा होगा, उसको आप डेबिट करेंगे 10 रुपये से। तो ये डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा। ऑलरेडी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये सारी चीज़ें पता है, लेकिन कुछ बिगनर्स हैं जो सीखना चाहते हैं टैली चलाना,
अकाउंटिंग एंट्री करना चाहते हैं, डाटा एंट्री करके पैसे कमाना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, तो उनके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे एडवांस तरीके से मालूम है, जिन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई करी हुई है। जिन्होंने अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आपका जहाँ पे भी मटेरियल पहुँच रहा है या जहाँ पे भी आपका पैसा पहुँच रहा है वो चीज़ हमेशा डेबिट होगा, और जहाँ से निकल रहा है वो चीज़ आपका क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे अपना होम स्क्रीन जो टैली का, इसके आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे आप होम स्क्रीन में देखेंगे कि सबसे पहले अपना यहाँ पे सबसे ऊपर में बीचों बीच एकदम गो टू करके बटन है। बाकी चीज़ें भी आपको दिख रही होंगी, गेटवे ऑफ टैली है, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली के अंदर मास्टर्स का हेडिंग है, मास्टर्स में आपको क्रिएट अल्टर चार्ट ऑफ अकाउंट करके मिल रहा है, ट्रांजेक्शन्स का हेडिंग है, यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स में आपको वाउचर्स डे बुक मिल रहा है, यूटिलिटीज़ में बैंकिंग है, और रिपोर्ट्स में बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही होंगी, और साथ में एक क्विट करके आपका बटन भी है। तो सबसे ऊपर में अगर आप देखें यहाँ पे कंपनी है, डेटा है, एक्सचेंज है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट, हेल्प, तो ये इसका टैली का स्ट्रक्चर है दोस्तों। अब इसमें जो गो टू अपनी स्विच टू या गो टू आप बटन बोल लीजिए, यहाँ से आप सभी टाइप के डिफरेंट वाउचर्स, लेजर्स और रिपोर्ट्स भी ओपन कर सकते हैं। आपको जो भी रिपोर्ट्स सर्च करने हैं, देखने हैं, आप सीधा यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। या तो यहाँ पे जैसे आपको भी अकाउंटिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट देखनी है, यहाँ पे आप गए और यहाँ से इंटर करेंगे तो उससे रिलेटेड ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रिपोर्ट्स ओपन हो जाएंगी। ठीक है, आप इंटर कर करके ऐसे भी आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं, और यहाँ पे भी और भी जैसे यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं सो मोर करके, तो यहाँ पे आप जाएंगे सो मोर करने से और भी आपको रिपोर्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यहीं से लेजर वगैरह भी बना सकते हैं, मास्टर भी अल्टर कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे क्रिएट मास्टर है, अल्टर मास्टर है, एक्सपेंड डाल करके है, तो सभी चीज़ें एक्सपेंड हो जाएंगी। एक्सपेंड डाल पर क्लिक करने से सारी चीज़ें आपकी जो भी यहाँ पर लिस्टिंग दिख रही है ये सभी चीज़ें आपकी एक्सपेंड हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। तो अब आपको यहाँ से एक एक चीज़ें दिखनी चालू हो जाएंगी, इसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, तो आप एक एक चीज़ देख के आप नोटिंग भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप नोट नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे आप इसमें काम करते जाएंगे, एक हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर आपको सभी चीज़ें नॉर्मल सी लगने लगेंगी, क्योंकि टैली बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपको क्रिएट वाउचर्स है, क्रिएट मास्टर्स है, यहाँ से भी आप क्रिएट मास्टर्स ऐप पे जाएंगे तो इसमें आपको अलग अलग ये मास्टर्स क्रिएशन के लिए ये सारे ऑप्शन अपने को मिल जाते हैं। ठीक है, यहीं पे ऊपर में आपको चेंज कंपनी का भी ऑप्शन आता है, आप दूसरी कंपनी भी, जैसे मान लीजिए आप 2-3 कंपनी ओपन करके रखे हैं, तो आप दूसरी कंपनी के लिए भी चेंज कंपनी क्लिक करके यहाँ से कंपनी अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या तो यहाँ भी ऑप्शन आता है, तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से है, आप इसमें सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं। तो ये इसका टैली का इस तरीके से एक इंटरफेस अपना हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं अपन नेविगेशन कीज़। तो नेविगेशन कीज़ में सबसे ज़्यादा जो कीज़ आपकी यूज होने वाली है वो है आपका इंटर और एस्केप की। तो दो ही ऐसी की है जो सबसे ज़्यादा यूज होगी पूरे टैली में। आपको कहीं भी कुछ भी चीज़ें देखना है, कुछ भी चीज़ें ओपन करना है, सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे या क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं। बाकी अगर कीज़ की अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा आप इंटर और एस्केप की यूज करेंगे। मैं यहाँ पर इंटर करूँगा, इसके अंदर चले जाऊँगा, एस्केप की यूज करूँगा, बाहर आ जाऊँगा, एक बार और एस्केप की यूज करूँगा, यहाँ पर हमें क्विट करने के लिए भी ऑप्शन अपने को मिल जाएगा। तो इस पूरे टैली में सिर्फ दो ही कीज़ हैं जो आपको ज़रूरी है जानने के लिए, इंटर और एस्केप की। बाकी कीज़ के लिए तो आपको उतना इसको ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सारे आप किसी भी जगह में जाएंगे तो आपको जो भी कीज़ दिखाई देंगी यहाँ पे सबका शॉर्टकट की लिखा रहता है। जैसे यहाँ पे कंपनी लिखा हुआ है, इसका शॉर्टकट है F3, साइड में आप देख सकते हैं F10, इसका शॉर्टकट हो गया। यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ है, इसका शॉर्टकट लिखा हुआ है। आप नीचे देखेंगे कंट्रोल ए एक्सेप्ट करने से उसका शॉर्टकट लिखा हुआ है। तो अब अपने को पता कैसे चलता है कि ये कंट्रोल ए प्रेस करना है या यहाँ पे कंट्रोल क्यू प्रेस करना है? ठीक है, यहाँ पे F10 प्रेस करना है, इसको कंट्रोल के साथ क्यों नहीं प्रेस कर रहे हैं? अब यहाँ पे जैसे ये गेट HSN HSC इन्फो लिखा हुआ है, तो यहाँ पे Alt आपको प्रेस करना पड़ेगा। तो Alt कंट्रोल प्रेस करना है ये कैसे पता चलता है, और किस में Alt कंट्रोल नहीं प्रेस करना है वो कैसे आपको पता चलता है? तो अब जैसे यहाँ पे F10 लिखा हुआ है, इसके नीचे कोई लाइन नहीं लिखी हुई है, तो ये सीधा F10 प्रेस करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो B वाला ऑप्शन है, इसके नीचे एक लाइन है, मतलब एक लाइन, सिंगल लाइन, मतलब आपका Alt
के साथ में आप बी प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे ऊपर वाले में देखेंगे मोर डिटेल वाले में, या तो यहाँ नीचे एक्सेप्ट वाले में भी देख सकते हैं। इसमें डबल लाइन ए के नीचे कितनी लाइन है, दो लाइन है, डबल लाइन है। तो यहाँ से डबल लाइन का मतलब होता है आप कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करेंगे। तो ये आपको शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे भी मिल गए। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आपको शॉर्टकट कीज़ के बारे में क्लियर कर दूंगा, बता दूंगा। और इसको आप नोटिंग करके भी रख सकते हैं, या तो उसको भी ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे ये सारी कीज़ आपको अपने आप याद होती जाएंगी। तो अभी आप समझ गए होंगे कि एक सिंगल लाइन अगर है तो आल्ट होता है, डबल लाइन है तो उसको हम लोग एज ए कंट्रोल यूज़ करते हैं शॉर्टकट कीज़ के लिए। अब जैसे यहाँ पे भी आप देखेंगे मेन स्क्रीन अपनी ओपन है, तो यहाँ डेट लिखा हुआ है, कंपनी लिखी हुई साइड में। अब इसके साइड में एरो का चिन्ह है, तो यहाँ एरो पे भी आप जाके इधर भी देख सकते हैं, इसमें भी ऑप्शन आ जाते हैं अपने नए। अगर आपको ये शॉर्टकट की पहले से याद है तो उसमें आपको एरो में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा मेन स्क्रीन से ही वो चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर आल्ट F3 करके है, सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कंपनी का। अगर मैं यहाँ पे भी बाहर भी रहूँगा कहीं पे भी, तो मैं यहाँ से Alt F3 प्रेस करके उस ऑप्शन को यूज़ कर सकता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ से Alt F3 प्रेस करूँगा, मुझे ये सेलेक्ट कंपनी करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं इसमें एक और कोई कंपनी यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा तो ये कंपनी ओपन हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी दो कंपनी जो ओपन है, एक फर्स्ट में ए अभी जो मैंने रिसेंटली ओपन किया वो है, एक पहले वाली ओपन है ये वाली। तो इस तरीके से आप कंपनीज़ को ओपन बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ से आप कंपनी में जाएंगे, अब अपने को एक कोई कंपनी क्लोज करनी है, अब सेट कंपनी वाला ऑप्शन यूज करेंगे। ठीक है, आपको शॉर्टकट की याद नहीं है तो आप यहाँ पे एरो की पे क्लिक करके इधर सेट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा कौन सी कंपनी आपको क्लोज करनी है। या तो आप यहाँ से जैसे अपने को इसमें डबल लाइन है F3 के नीचे, तो कंट्रोल F3 प्रेस करना है तो भी अपना शॉर्टकट की एज ए काम करेगा। तो यहाँ पे कंट्रोल के साथ में F3 प्रेस करते हैं तो ये ऑप्शन आ गया। अब इसमें कौन सी कंपनी क्लोज करनी हो आप क्लोज कर सकते हैं। और ये शॉर्टकट की आपका टैली चलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको शॉर्टकट की नहीं पता है तो आपको जल्दी से जल्दी सीखना पड़ेगा और आप उससे काम बहुत ज़्यादा अपना फास्ट कर सकते हैं। अगर आपको शॉर्टकट की पता है तो बहुत ही ज़्यादा आपका काम फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं कंपनी क्रिएशन में। अब इसमें कंपनी क्रिएशन में भी अपने को कंपनी क्रिएट करनी रहेगी जिसके अंदर आप एंट्री करेंगे। अब इसमें आपका बिना कंपनी क्रिएशन के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब जैसे मेरी ये कंपनी एक ओपन है Prime 3.0, अगर ये कंपनी ओपन नहीं होती तो ये सारे ऑप्शन अपने डिसेबल होते, मैं इसमें काम नहीं कर पाता। तो उस समय कुछ अपना इस तरीके से दिखता, अगर मैं इसको सेट कर देता हूँ इसको भी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मेरी कोई कंपनी ओपन नहीं है, कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है, सिर्फ ये बोल रहा है कंपनी आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए आपको कंपनी क्रिएट करनी है कोई सी भी, तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी का ऑप्शन भी आ जाता है। या तो यहाँ से भी आप जैसे ये कंपनी आपका मान लीजिए और कोई विंडो यहाँ पर दिख रहा है उस टाइप का नहीं दिख रहा है, तो आपको यहाँ से भी क्रिएट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। तो आप जैसे कंपनी पर चले जाएँगे, इधर कंपनी में जाने के बाद में ऊपर में आपको क्रिएट कंपनी का ऑप्शन यहाँ से भी मिल जाएगा। या तो यहाँ पे सबसे ऊपर में आप देखेंगे Alt K करके कंपनी करके है, तो यहाँ पे भी आप जाके यहाँ से भी कंपनी क्रिएट, अल्टर, चेंज, ये सारी ऑप्शन जो हैं ये यूज कर सकते हैं। तो टैली में आप कहीं से भी कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं। आपको शॉर्टकट की अगर पता रहे तो सभी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हैं, और ये चीज़ें आपको धीरे धीरे आदत में लानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग एक कंपनी क्रिएट करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर चलता हूँ, ये कंपनी पर चलता हूँ ऊपर में, और यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर देता हूँ। अब इसमें मुझे अपनी एक कंपनी का नाम दे देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लर्न टैली करके एक नाम दे दिया कंपनी का। यहाँ पे आपको मेलिंग नेम डाल देना है, एड्रेस डाल देना है, आपको जो भी कंपनी का अपने एड्रेस है वो एड्रेस आपका वहाँ पे आ जाएगा। स्टेट अपना डाल देना है, स्टेट डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर अभी GST चल रहा है और बिना स्टेट के आपका GST वगैरह कैलकुलेट नहीं होगा। बाकी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डाल सकते हैं, पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, ये चीज़ें भी आप डाल देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि कभी भी अगर आपको किसी को प्रिंट आउट वगैरह देना हुआ अपने रिपोर्टिंग की, अपने स्टेटमेंट्स की, तो आपका फ़ोन नंबर वगैरह उस स्टेटमेंट में यहीं से उठ के जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको डालनी ज़रूरी है अगर प्रॉपर अपने को टैली यूज करना है तो। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। तो अब इसमें दो डेट है, दोनों डेट आपको सेम रखनी है या आप अलग अलग भी रख सकते हैं। मान लीजिए अपना फाइनेंशियल ईयर इंडिया का होता है अप्रैल से चालू, ठीक है,
और अब आपका बुक्स जो है, अब मान लीजिए आपने कंपनी क्रिएट कर लिया, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर तो अप्रैल से चालू हो गया, लेकिन आपका जो कंपनी रनिंग चालू हो रहा है, आपने बिल वगैरह इनवाइस कर काटना सेल करना मई में चालू किया है, तो अपना बुक्स कहाँ से बिगनिंग होगा, मई से बिगनिंग होगा, तो यहाँ पे मई वाली डेट आएगी। अब जैसे बहुत से लोग हैं तो अपना उनका बहुत समय से कंपनी चल रही आ रही है, चलते जा रही है, बहुत टाइम से चल रही है, अब आपको नए फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अपना बुक्स रखना है, तो दोनों में आप सेम डेट रख देंगे, बुक्स बिगनिंग फॉर्म में भी और फाइनेंशियल ईयर में भी। तो यहाँ पे अभी मैं 1 अप्रैल 2023 से ही दोनों को रखता हूँ, और यहीं के इसके आगे से जो डेट आप यहाँ पे डालेंगे इसके आगे से ही आप एंट्री कर सकते हैं टैली के अंदर, इसके बैक में एंट्री नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन 1 अप्रैल 23 कर दिए, अब इसको आप इंटर करके सेव कर देंगे। अब यहाँ पे आपका करेंसी का भी ऑप्शन रहता है, तो यहाँ से आपका जैसे आप डॉलर होगा, यहाँ पे स्टेट का आपका इंडिया रहेगा, मान लीजिए इंडिया की जगह हम इसमें बहुत सारे देश हैं, आपका UAE वगैरह रहेगा, तो उसी तरीके से यहाँ पे चिन्ह भी अपना करेंसी सिंबल भी चेंज हो जाएगा, आप खुद से भी करेंसी सिंबल यहाँ पे चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको साइड में दिख रहा होगा, ग्रुप कंपनी करके, तो ग्रुप कंपनी में क्या होता है कि अपने जैसे बहुत सारे ब्रांचेज हैं छोटे छोटे, तो आप उस कंडीशन में ग्रुप कंपनी बना सकते हैं। तो पहले ये लर्न टैली करके मैं एक कंपनी ये बना दे रहा हूँ, ठीक है, अभी अपनी कंपनी बन गई। अब मैं एक बार इसको बैक कर देता, ठीक है दोस्तों, अपना ये कंपनी बन गया। अब इसमें एक अपन ग्रुप कंपनी भी जैसे बनाना है, तो यहाँ पे कंपनी में चले जाएंगे, इधर क्रिएट पे चले जाएंगे, और यहाँ पे सीधा आपको ग्रुप कंपनी पे क्लिक कर देना है साइड वाले पे, या Alt R आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप कंपनी में चले जाएंगे। अब इसमें आपको बुक्स बिगनिंग फॉर्म वगैरह वाला जो डिटेल आता है वो सब डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर मैं एक नाम दे देता हूँ, ग्रुप कंपनी ABC, ठीक है। इसमें मेरी बहुत सारी कंपनीज ऐड होने वाली हैं, स्टेट का नेम अपना जो भी है आप वो डाल देंगे, टेलीफोन नंबर वगैरह भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब इसमें आपको मेंबर्स कंपनी पूछ रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंबर्स कंपनी पूछ रहा है, तो अब यहाँ से आप कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो भी कंपनी इसमें रखनी है, जैसे मेरा ए वाली कंपनी, इधर दो कंपनी दिख रही, दोनों रखनी है, ए को सेलेक्ट किया अब, और इसको भी सेलेक्ट कर लिया, अब मैं एंड कर दूँगा, एक्सेप्ट करा दूंगा। तो अब जब भी मैं इसको ग्रुप कंपनी ओपन करूंगा तो ये दोनों कंपनी मेरी साथ साथ ओपन होंगी, और यहाँ पे जो भी अपने बैलेंस शीट वगैरह के रिपोर्टिंग वगैरह रहेंगे तो दोनों का मर्ज होके कंबाइंड होके उसका टोटल अपने को एक साथ यहाँ पे दिख जाएगा, तो ये ग्रुप कंपनी का फ़ायदा होता है। तो फिलहाल अभी मैं सभी कंपनी को यहाँ पर सेट कर देता हूँ, जितनी भी मेरी कंपनी ओपन है, ठीक है। आप शॉर्टकट की भी Ctrl+F3 यूज कर सकते हैं, या तो यहाँ से क्लिक करके भी आप क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरी एक ही कंपनी ओपन है यहाँ पे, लर्न टैली करके, बाकी कंपनी मैंने क्लोज कर दिया है। अब इस कंपनी के अंदर मुझे डिटेल्स डालने हैं, अपने GST नंबर वगैरह डालने हैं या जो भी चीज़ें हैं, तो हमें यहाँ पे कंपनी वापस जाना है, और यहाँ से ही अपन सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब इसमें सेकेंड ऑप्शन है अल्टर करके, तो आप अल्टर में जाके यहाँ से अगर कुछ चीज़ें आपकी छूटी हुई हैं तो आप अल्टर कर सकते हैं। अब इसके बाद भी यहाँ पर और भी ऑप्शन आ जाते हैं चेंज करके, सेलेक्ट करके, सेट करके, तो अपने को साइड में ही जो Ctrl+F3 Alt+F3 वाला जो अपन देख रहे थे वही सारे ऑप्शन है। कनेक्ट करके एक ऑप्शन है और है, तो अपन किसी कोई दूर रिमोट में बैठ के काम कर रहा है मान लीजिए, तो उससे अपन कंपनी को कनेक्ट करा के उससे वर्क करा सकते हैं। इसके बारे में फिर और किसी वीडियो में इसको समझेंगे अलग से, कनेक्ट कंपनी कैसे करके यूज करेंगे। फिलहाल तो हमें टैली के बारे में A to Z सीखना है कि अपन डेटा एंट्री लास्ट में कैसे कर सकें, रिपोर्टिंग वगैरह कैसे सारी चीज़ें निकाल सकें, ठीक है। इसमें रिमोट एक्सेस, ब्राउज एक्सेस, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन एक्सेस वाली ही चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ऑनलाइन एक्सेस का अपने को हेडिंग मिल रहा है, इसके नीचे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं आपको। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन में आपको जो चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी है, तो यहाँ पे चले जाएंगे फीचर के अंदर। फीचर में यहाँ पे जो ऑप्शन इनेबल हैं सो हैं, यहाँ पे आप मोर फीचर्स करके भी है ऑप्शन, यहाँ से भी आप यस कर सकते हैं, और शो ऑल फीचर्स करके है, इसको एक बार और यस कर देंगे। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, अब इसमें अकाउंटिंग का ऑप्शन हो गया, इन्वेंट्री से रिलेटेड ऑप्शन हो गया, टैक्सेशन से रिलेटेड है, ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल, अदर्स, ये सारे ऑप्शन हैं अपने। अब जैसे आपको सिर्फ अकाउंटिंग करनी है, अकाउंटिंग से रिलेटेड एंट्रीज करनी है, इन्वेंट्री से रिलेटेड एंट्रीज करनी है, तो ये सारी चीज़ें आप इनेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पर बिल वाइज करके है, सबसे पहला ऑप्शन बिल वाइज एंट्रीज आपको करनी है, हाँ वही करनी है, ठीक है, तो इसको आप यस कर देंगे। मेंटेन अकाउंट्स तो यस रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अकाउंट्स तो सब कंपनी मेंटेन होता ही है, तो फर्स्ट ऑप्शन ये वाला तो यस रखना ही है। आपको बिल वाइज एंट्री करनी ही चाहिए, क्योंकि तभी अपने को पता चलेगा कि कितना क्या बिल पेंडिंग है, किस कस्टमर से लेना देना कितना क्या है, ठीक है। और कॉस्ट सेंटर का भी ऑप्शन आ जाता है, तो कॉस्ट सेंटर बेसिकली होता क्या है कि मान लीजिए आप कोई
एक्सपेंस वगैरह कर रहे हैं उसमें आपको एक आध लेजर का डिटेल और कुछ डालना है, और कॉस्ट सेंटर में भी आप अलग से एक्सपेंसेस वगैरह सब मेंटेन कर सकते हैं, तो आप इसको यस करके रख दीजिए। उसके बाद फिर इंटरेस्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है, मान लीजिए आपका ब्याज वगैरह का काम है, इंटरेस्ट का काम है, तो आप इसको इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी यस करके रख सकते हैं। तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड मेरी एक बहुत पहले की वीडियो बनी हुई है, और एक नई वीडियो भी इसका टैली प्राइम का नेक्स्ट पूरा सीरीज स्टार्ट होने वाला है, तो एक एक चीज़ मैं इसके बारे में बताऊँगा, कॉस्ट सेंटर को कैसे क्या यूज करना है, क्या इसका प्रोसेस रहता है, क्यों इम्पोर्टेंट है टैली के लिए कॉस्ट सेंटर, वैसे ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सारी सीरीज अभी मेरी चलने वाली है पूरा टैली ट्यूटोरियल को लेके, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग जो बात कर रहे हैं पूरा एक कंप्लीट आप डेटा एंट्री करना सीख जाएं इस हिसाब से एक ही वीडियो में इस तरीके से रहेगी। बाकी टैली में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके अपन सीखते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये तो अपना अकाउंटिंग वाला ऑप्शन था दोस्तों, इसमें ये सारी चीज़ें जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आप इनेबल कर सकते हैं। इन्वेंट्री वाली चीज़ों में अपन मेंटेन इन्वेंट्री यस रखेंगे ही रखेंगे, इंटीग्रेट अकाउंट विथ इन्वेंट्री ये भी यस ही रखना है आपको, ये दोनों ऑप्शन तो मस्ट है, इनेबल पहले से ही रहते हैं पर आपको इनेबल भी करके रखना ही है। अब इसमें आपको बैच के साथ में एंट्री करनी है, इनेबल मल्टीपल प्राइस लेवल के साथ एंट्री करनी है, तो ये सभी चीज़ें ऑप्शनल है। कॉस्ट ट्रैकिंग इनेबल करना है, जॉब कॉस्टिंग इनेबल करना है, तो जैसा जिसकी कंपनी का रिक्वायरमेंट रहता है उस हिसाब से वो लोग इनेबल कर लेते हैं। अब इसमें टैक्सेशन में अपना गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जीएसटी का, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको यस करके रखना ही है। अब इस पर आपको अंदर जाना है, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर इंटर करेंगे तो अंदर चले जाएँगे। अब यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन स्टेटस अपना एक्टिव करके यहाँ दिख रहा है, आपको इनएक्टिव करना है तो आप इनएक्टिव कर सकते हैं। इनएक्टिव पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे तो इनएक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ पे इनएक्टिव करके लिखा रहेगा, ये सारा चीज़ जो भी अपने डिटेल्स डले हैं इनएक्टिव रहेंगे। फिलहाल हमें इनएक्टिव नहीं करना है, एक्टिव ही रखना है। अब इसमें ये हमारा पूरा डिटेल आ जाएगा, यहाँ पे आपको जीएसटी नंबर भी डाल देना है, मस्ट है जीएसटी नंबर डालना, ठीक है। मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया, अगर आप गलत नंबर डालेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे आपका मैसेज देगा कि आपने गलत जीएसटी नंबर डाला हुआ है, क्योंकि ये टैली का जो भी चीज़ें हैं सर्वर वगैरह है वो जीएसटी का इन्होंने एपीआई वगैरह से कनेक्ट करके रखा है, तो इसमें टैली में पता चल जाता है कि आपका कौन सा जीएसटी नंबर सही है कौन सा गलत है, तो आप हमेशा सही वाला ही जीएसटी नंबर यूज़ करिए, ठीक है। आपका यहाँ पे रिटर्न अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हैं, मंथली फाइल करते हैं, तो उसके हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप हर महीने GSTR1 फाइल करते हैं कि आप तीन महीने में एक बार करते हैं, तो मेरे केस में मेरा तीन महीने में रहता है, तो आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। अब इसमें भी बहुत सारे आपके चीज़ें हैं जो मेथड हैं कि आप एक महीने में क्यों कर सकते हैं, तीन महीने में क्यों कर सकते हैं, तो आप जीएसटी पोर्टल पर जाके वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी अपने बिल वाइज ये जो है ई वे बिल वगैरह आपको अप्लीकेबल करना है, मतलब 50,000 से ऊपर ऐसा कुछ रहता है कि आपको सेलिंग रहती है, तो यहाँ पर यस करके रखिए अप्लीकेबल फॉर्म, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है, पहले तो इसको सेव कर लेते हैं, फिर उसके बाद वापस इसी पर चलते हैं, और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे एक और ऑप्शन आ रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि मेरा जैसे बिजनेस है छत्तीसगढ़ में है, ये एक्टिव करना है, इनएक्टिव दिखा रहा है, ठीक है। अभी जैसे मेरा बिजनेस छत्तीसगढ़ में है, मान लीजिए मेरा बिजनेस और कहीं भी है, गुजरात में भी है, तो मेरा गुजरात का भी रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने ले कर रखा होगा, तो उस कंडीशन में अगर मेरा मल्टीपल GST रजिस्ट्रेशन है तो मैं इसको यहाँ पर यस कर दूँगा। यस करने के बाद मैं जैसे इंटर करूंगा, अब दूसरा मेरे पास में ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां से दूसरा अपना GST रजिस्ट्रेशन डाल सकता हूं, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए मेरा और कहीं का है, गुजरात वगैरह का है, तो मेरा यहां पे गुजरात का GST नंबर आ जाएगा, और इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पर ये वाउचर नंबर वगैरह क्रिएट करने के लिए बोलेगा। तो अगर आपने मेरा टैली प्राइम 3.0 वाला आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप ज़रूर देखिए, उसमें टैली 3.0 मल्टी GST के बारे में, वाउचर नंबरिंग के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट करिए। अभी मैं फ़िलहाल इसको स्केप करता हूँ, स्केप करके मैं बाहर आ जाता हूँ, और यहाँ से मुझे सेव कर देना है। और भी इसमें टैक्सेशन के बहुत सारे TCS TDS अगर आपको इसी मेंटेन करना है टैली के अंदर ही, तो ये सारे ऑप्शन आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। ऑनलाइन एक्सेस कैसे कर सकते हैं, पेरोल अगर आप मेंटेन करते हैं, पेरोल मतलब आपका सैलरी वगैरह से रिलेटेड चीज़ें आप सैलरी देते हैं, वो भी आप टैली में एंट्री करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, पेरोल भी आप मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। और भी ऑप्शन है यहाँ पे, आपको QR कोड वगैरह की लिंक इनेबल कर,
तो मैं इसका एक अलग से भी वीडियो आपको बताऊंगा डाल के, काफ़ी अच्छा फीचर अभी लेटेस्टली इनका ऐड हुआ है। तो आप यहाँ से पेमेंट रिक्वेस्ट एज QR कोड एक्सेप्ट करने के लिए इनेबल कर सकते हैं यहाँ से, और इसके बाद बाकी ऑप्शंस आप चेक करके इसको यस कर दीजिए। इसमें और भी ऑप्शन है, आप मल्टीपल एड्रेस मेंटेन करते हैं, आपके और भी ऑफिसेज हैं तो इसको यस करके रख सकते हैं। मॉडिफाइड वाउचर्स आपको मार्क करना है, कौन सा वाउचर आपने दोबारा क्रिएट किया है। तो ये सारे ऑप्शंस, बहुत सारे नए नए फीचर इसमें टैली 3.0 में ऐड हुए, तो फिलहाल हम लोग इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। एक तो अपना ये दोस्तों F11 वाला फीचर हो जाता है यहाँ पे। तो अभी जो यहाँ पे नेक्स्ट अपना स्टेप था फीचर सेटअप वाला, तो फीचर सेटअप में अभी हमने F11 वाला फीचर अभी करके देख लिया है, ठीक है। और हर एक पेज में हमें F12 का भी ऑप्शन मिलता है यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए मुझे किसी भी वाउचर एंट्री में जाना है या किसी भी लेजर वगैरह में जाना है, तो आपको हर पेज में यहाँ पे नीचे में आप देखेंगे F12 वाला कॉन्फ़िगरेशन वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो F12 वाले ऑप्शन में भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं उससे रिलेटेड। तो मैं जिस भी पेज में रहूँगा, जैसे मेरा वाउचर का पेज अभी ओपन है, उससे रिलेटेड सारे ऑप्शन अपने मिल जाएंगे। तो आप जिस भी पेज में रहें, आप वहाँ पे F12 प्रेस करके ज़रूर इसको चेक करिए, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन यस नो करने के सारे चीज़ें वहाँ पे दिख जाती हैं। तो अपना दो ऑप्शन रहता है कॉन्फ़िगरेशन का, एक तो F12 वाला जो हर पेज में आपको हर जगह दिखेगा, और दूसरा F11 वाला जो वन टाइम आपको यहाँ पे सेट करना रहेगा कंपनी के पास यहाँ पे आके। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें सिक्योरिटी का, ठीक है। तो सिक्योरिटी एंड यूजर एक्सेस का ऑप्शन अपन तब यूज़ करते हैं जब आपके अलावा और भी लोग हैं कंपनी में काम करने वाले, और उनको सबको अलग अलग यूजर आईडी पासवर्ड आपको प्रोवाइड करना है उसको एक्सेस करने के लिए, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे। इसका एक सेपरेट वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा, पहले की पुरानी वीडियोज़ मेरी बनी हुई हैं, तो आप उसको देख सकते हैं टैली ERP 9 वाली। फ़िलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अभी सिक्योरिटी ऑप्शन को अपन, और किसी वीडियो में नेक्स्ट जो भी सीरीज अपनी आने वाली है उसमें देखेंगे। अब कुल मिला के अपनी ये कंपनी क्रिएट हो चुकी है, अपन सारा कुछ सेटअप कर चुके हैं, F11 वगैरह सारी चीज़ें अपन चेक करके अपने हिसाब से इसको अपन कॉन्फ़िगर कर लिए, ठीक है। अब चलते हैं डेटा एंट्री करने के लिए। तो डेटा एंट्री में अपने को मास्टर एंड वाउचर क्रिएशन में जाना रहेगा। तो मास्टर और वाउचर दो ही चीज़ें रहेंगी अपनी डेटा एंट्री करते समय, सबसे पहले तो मास्टर बनाना है, उसके बाद फिर वाउचर उसके क्रिएट करने हैं। तो मास्टर और वाउचर बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे वेज हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मैंने आपको शुरू में ही दिखाया था, तो यहाँ पे गो टू में आप जाके इधर क्रिएट वाउचर्स क्रिएट मास्टर करके जो भी ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ से आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। अल्टर मास्टर पे जाके आप अल्टर कर सकते हैं जो पहले से बने हुए हैं। तो अल्टर का मतलब ही वही होता है अल्टर करना, जो पहले से बने हुए हैं उसको आप चेंज कर सकें, अल्टर कर सकें। और आपको और भी आसानी से और भी सुविधा के हिसाब से अपने देखना है, तो यहाँ पे आप गेटवे ऑफ टैली, आपको मेन स्क्रीन जो दिख रहा है गेटवे ऑफ टैली में, यहाँ पे आपको मास्टर्स करके ऑप्शन दिख जाएगा, इसमें भी आपको क्रिएट अल्टर चार्ट ऑफ अकाउंट दिखता है। तो चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने से यहाँ पे आपको सारी लिस्ट मिलेगी कि आपको ग्रुप देखना है, लेजर देखना है, तो आपका यहाँ पे उसका चार्ट बन के आता है। जितने भी आपके लेजर्स हैं, आइटम्स हैं, ग्रुप हैं, उसका आप चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। और साइड में क्लिक करके अदर मास्टर्स का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ से आप अदर मास्टर भी, उसके ग्रुप वगैरह हैं कोई, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप साइड में देखते जाएंगे और शॉर्टकट की ही यूज करेंगे। आप कोशिश करिए हमेशा शॉर्टकट की यूज करने की। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है अप्लाई फ़िल्टर करके, तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप हमेशा ये ट्राई करिए कि आपको कंट्रोल F प्रेस करना है। जैसे यहाँ पे F के नीचे डबल लाइन है तो मतलब कंट्रोल, सिंगल लाइन है तो Alt। तो आप हमेशा शॉर्टकट की यूज करिए ताकि आपकी आदत बनी रहे शॉर्टकट की यूज करने का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टैली सीखने के लिए। तो अब यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले क्रिएट में चलते हैं, यहाँ पे क्रिएट मास्टर्स में। तो कुछ इसमें ग्रुप लेजर अपने पहले से बने होते हैं, तो अगर हम लोग ग्रुप की बात करें तो यहाँ पर और कुछ भी एक मैं अभी नाम ऐसे डाल दे रहा हूँ, यहाँ पर नीचे में आएंगे सारे ग्रुप अपने प्री ग्रुप पहले से बने होते हैं। तो यहाँ पे आपके जो मेन ग्रुप हैं बैंक अकाउंट, बैंक OC, बैंक OD अकाउंट, तो बैंक अकाउंट्स जो नॉर्मल आपके करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट हो जाते हैं, बैंक OC OD अकाउंट जो आपको OD अकाउंट वगैरह बैंक से जो लोन वाले अकाउंट मिलते हैं उसको इसमें रखेंगे। उसके बाद फिर ब्रांच एंड डिवीजन, आपके बहुत सारे ब्रांचेज मेंटेन करते हैं तो आप ब्रांच एंड डिवीजन में उसका नाम रखेंगे, उस लेजर में ग्रुप का नाम ब्रांच एंड डिवीजन रखेंगे। जैसे कैपिटल अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट आपके जैसे बॉस हैं, जो भी आपका कैपिटल लगाया उन्होंने कंपनी में, वो सारे ग्रुप आपके कैपिटल अकाउंट में ही आएंगे।
उसके बाद कैश वाले जो अपने कैश बुक वगैरह हैं तो कैश इन हैंड में आएंगे। करंट एसेट्स है, इसमें आपके सन्डरी डेप्टर्स वगैरह आ जाते हैं। फिर उसके बाद लाइबिलिटी जो आपकी बनती है तो वो लाइबिलिटी में आ जाएंगे, जैसे आपके क्रेडिटर्स वगैरह हैं तो लाइबिलिटी साइड आ जाते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे डिपॉजिट एसेट्स, एक्सपेंसेस, इनकम, ये सारे हैं, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस वगैरह के ग्रुप हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी है, कुछ ज़्यादा ग्रुप नहीं है, आप इसको नोटिंग कर लीजिए और इसको नोटिंग करने के बाद में इसके बारे में भी आप चीज़ें सीख सकते हैं। और यहाँ पे आपके परचेज अकाउंट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, परचेज जब करेंगे तो उसमें परचेज अकाउंट का लेजर में ग्रुप डालेंगे, जब सेल करेंगे सेल का लेजर बनाएंगे उसका ग्रुप सेल्स अकाउंट रखेंगे। सिक्योर्ड लोन है, अनसिक्योर्ड लोन वगैरह रहता है, इस तरीके सस्पेंस है जो अपने को नहीं पता है क्या है, कौन सा लेजर किस लिए है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपका जो ग्रुप बनता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ग्रुप हमेशा लेजर का आपको सही वाला ही डालना है, अगर ग्रुप में आप गलती करेंगे तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे अपने को सब ग्रुप क्रिएट करना है, तो वो तो अपने मेन ग्रुप हो गए, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, अब आपको इसमें भी सब ग्रुप क्रिएट करना है। तो सब ग्रुप क्रिएट करने के लिए आपको सीधा यहीं ग्रुप में ही जाना है। अभी हम लोग आप देख सकते हैं मास्टर्स में है, क्रिएट में है, क्रिएट में यहाँ पे आपको ग्रुप में गए। अब यहाँ पे ABC डेप्टर्स करके मैं डाल देता हूँ, कि मैं मान लेता हूँ कि मेरा ABC डेप्टर्स कुछ इस रीजन वाले डेप्टर्स हैं, ठीक है। अब इसको अपन मेन ग्रुप जो है अपना सन्डरी डेप्टर्स का है, तो यहाँ सन्डरी डेप्टर्स के अंदर रख के इसको सेव कर देंगे। तो अब अपन चलेंगे यहाँ पे, जैसे ग्रुप के अंदर में यहाँ पे आने से जो अपनी ग्रुप की लिस्ट है, यहाँ पे आपको ये ABC डेप्टर्स दिखना चालू हो जाएगा। तो अपनी लिस्ट ऑफ ग्रुप में क्या हुआ, ABC डेप्टर्स ऐड हो गया। वैसे ही नेक्स्ट है अपना लेजर, तो लेजर बनाना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लेजर में भी जैसे अपने को मान लीजिए अपना कोई डेप्टर्स है राजेश एंड कंपनी करके, ठीक है, ये अपना पार्टी है जिसको अपन सामान सेल करते हैं, जिसको सेल करेंगे वो अपना सन्डरी डेप्टर्स में आएगा। अभी जो मैंने ABC डेप्टर्स बनाया इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ABC डेप्टर्स मेरा सन्डरी डेप्टर्स के अंदर बना हुआ है। यहाँ पे आप सन्डरी डेप्टर्स भी सीधा सेलेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आपका सन्डरी डेप्टर्स करंट एसेट्स के अंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से वो ग्रुप काम करता है। तो यहाँ पे आप ABC डेप्टर्स रखिए, सन्डरी डेप्टर्स रखिए, बात एक ही है। सब ग्रुप बनाने से आपका रिपोर्टिंग में सहायता आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे मेंटेन बिल वाई बिल यस कर देंगे, तो इससे क्या होगा कि आपने जितने भी उनको सेल किए हैं वो आपका बिल वाइज आप मेंटेन कर सकते हैं, किस बिल का पेमेंट आया किसका नहीं आया। इसमें आपको कुछ क्रेडिट पीरियड वगैरह भी रखना है कि आप 30 डेज में ही आपको पेमेंट मिलना रहता है, नहीं चाहिए उसके ऊपर अपने को ऐसा कुछ रहता है कि आप 30 डेज में आपको पेमेंट मिल जाना चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड आप 30 डेज रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे मेलिंग डिटेल में उनका एड्रेस आ जाएगा, स्टेट नेम ये बहुत ज़रूरी है अगर आप GST मेंटेन कर रहे हैं तो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको GST रजिस्ट्रेशन टाइप इनका डालना है, रेगुलर डालना है। यहाँ पे GST नंबर अगर है तो डाल देंगे, अगर इनके पास में राजेश एंड कंपनी के पास में GST नंबर नहीं है, ये आपके कंज्यूमर हैं, तो यहाँ पे आप अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर में इनको रख सकते हैं, ठीक है। और भी इसमें ऑप्शन है, यहाँ पे सो मोर में आप चले जाएंगे तो सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएंगे, जिससे रिलेटेड आपकी पार्टी है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर चीज़ें रख देनी है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मैं कंज्यूमर अनरजिस्टर्ड वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मेरे कंज्यूमर हैं, इनको बिल वगैरह GST का इनको इनपुट नहीं लेना रहता है। इनको GST का इनपुट लेना रहेगा तो यहाँ पे अपन रेगुलर में डालेंगे और इनका GST नंबर यहाँ पे डालना ज़रूरी रहेगा, ठीक है। अब इसको अपन सेव कर देते हैं, ये अपना एक सन्डरी डेप्टर्स का लेजर बन गया। तो इस तरीके से अपन लेजर ग्रुप बना सकते हैं यहाँ से। अब इसमें आपका करेंसी भी है, वाउचर टाइप भी है, तो आप वाउचर टाइप भी अलग से बना सकते हैं। इन्वेंट्री मास्टर्स में गए तो यहाँ पे स्टॉक आइटम वगैरह बनाने हैं, यूनिट बनाने हैं, गोडाउन बनाने हैं, तो ये सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी आप यहाँ से तो बना ही सकते हैं, मास्टर्स में गए यहाँ से बना सकते हैं, वाउचर्स में भी आप जाके यहाँ से भी बना सकते हैं, आप सेल की एंट्री करते समय भी बना सकते हैं। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपके मल्टीपल ऑप्शन हैं, मल्टीपल वेज टू क्रिएट मास्टर्स एंड वाउचर्स, आपके बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, आप मल्टीपल ऑप्शन से अपने वाउचर्स से भी मास्टर्स बना सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं, एक यहाँ पे सेल्स वाउचर ओपन करते हैं और यहाँ से अपन मास्टर बनाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे मैंने सेल्स वाउचर ओपन किया, मेरा राजेश एंड कंपनी करके ऑप्शन ही आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी क्रिएट करके भी ऑप्शन आता है, यहाँ से भी आप बना सकते हैं, क्रिएट करके यहाँ से भी आपके मास्टर्स बन जाएंगे, सेम वही स्क्रीन आ गई,
ठीक है, या तो आप यहाँ पे अगर यहीं से आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो शॉर्टकट कीज यूज करनी है तो आप करेंगे Alt C। Alt C आप जहाँ पे भी करेंगे वहाँ पे आपको मास्टर बनाने के लिए चीज़ें ओपन हो जाएंगी। चलिए मैं यहाँ से एक सब चीज़ें नई ही बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ Alt C, Alt C मैंने किया। ठीक है, मेरी एक कोई कंपनी है न्यू प्राइवेट लिमिटेड करके, मैं इस नाम से बना ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा सन्डरी डेप्टर्स, मैं ABC डेप्टर्स में भी रख सकता हूँ या डायरेक्ट मैं सन्डरी डेप्टर्स में भी रख सकता हूँ। ब्लू आइज मेंटेन वगैरह करना है कर सकता हूँ। यहाँ पे ये मेरा कंज्यूमर है या तो रेगुलर है, तो अगर रेगुलर है तो यहाँ पे इनका GST नंबर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आप छत्तीसगढ़ स्टेट सेलेक्ट करें हैं अगर आपका CGST SGST वाली बिलिंग होती है, बाकी अदर स्टेट आप सेलेक्ट करेंगे तो IGST वाली बिलिंग होगी। यहाँ पर मैं एक कुछ भी एक अभी GST नंबर डाल दे रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने इस पर इंटर किया तो ये पहले ही बोल दिया कि द पार्टी GST प्रोवाइडेड इज़ इनवैलिड इनकम्प्लीट करके, तो ये इनवैलिड GST नंबर है, टैली तुरंत पकड़ लेता है। तो आप सही वाला ही GST नंबर डालिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। अब इसमें भी कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, एडिशनल डिटेल में अगर जाएंगे यस करेंगे तो आपका कहाँ से क्या है, आप इसमें पार्टी एज ए ट्रांसपोर्टर तो नहीं है, ट्रांसपोर्टर है तो इसको यस कर देंगे। यहाँ साइड में भी और भी ऑप्शन रहते हैं, मोर डिटेल में जाके अगर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह भी डालना है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल का भी ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम, उसका मोबाइल नंबर आप इधर डाल सकते हैं, जो भी आपका डिटेल यहाँ पे आना चाहिए, आप ईमेल आईडी वगैरह, इस पार्टी से रिलेटेड सभी चीज़ें आप डाल दीजिए। उसके बाद इसको सेव करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। जैसे ही हमने एक्सेप्ट किया, ये आपका सेल्स वाउचर ओपन है पार्टी अकाउंट नेम के आगे, यहाँ पर आगे बढ़ ही रहे हैं। यहाँ पे भी आपको डिलीवरी नोट वगैरह, डिस्पैच डॉक्यूमेंट, डिस्पैच थ्रू डेस्टिनेशन, आप कुछ सामान भेज रहे हैं तो उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आता है। ये आपका पूरा डिस्पैच डिटेल आ जाता है सबसे पहले। LR नंबर वगैरह आपका है तो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। फिर उसके बाद ये पार्टी डिटेल आता है। जैसा मैंने आपको बताया था, F12 के ऑप्शन से आप बाकी चीज़ें भी इनेबल कर सकते हैं। हर पेज में आपको F12 का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे भी आप F12 एक बार प्रेस करके देख ही लेंगे। ठीक है, आप F12 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बायर कंसाइनी डिटेल आपको सेपरेट करने के लिए भी ऑप्शन आ जाएगा। आप अलग अलग डाल सकते हैं डिटेल, इसको या साफ कर सकते हैं। आपको पिन नंबर डालना है तो पिन नंबर के लिए यस कर सकते हैं। अदर SSC पार्टी वगैरह के लिए सारी चीज़ें आप इनेबल करके यहाँ से अपने डिटेल फिल कर देंगे। जो भी पार्टी का डिटेल है यहाँ कुछ छूटा हुआ रहेगा तो उसको भी आप फिल कर देंगे। ठीक है, इधर फिल करके आगे बढ़ेंगे, अपने को सेल्स लेजर का ऑप्शन आता है तो सेल्स लेजर भी अपने को क्रिएट करना है, तो यहाँ पे भी क्रिएट करने का ऑप्शन रहेगा। तो यहीं से आप इंटर करेंगे तो सेल्स लेजर बना सकते हैं, या तो शॉर्टकट की यूज करिए Alt C यूज करिए। यहाँ पे सेल्स अकाउंट्स करके मैंने लिख दिया, आप अलग अलग भी बना सकते हैं, सेल्स 18%, सेल्स 12%, जितना परसेंटेज है टैक्स का उसके हिसाब से नाम आप कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ग्रुप तो आपको सेल्स अकाउंट ही रखना चाहिए अगर आप सेल्स से रिलेटेड एंट्री कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट जैसे ही सेलेक्ट करेंगे ये सारे ऑप्शन आपके अपने आप चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे टाइप ऑफ लेजर, आपका डिस्काउंट राउंडिंग वगैरह का तो है नहीं, इसमें नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी आप ड्यूटीज एंड टैक्स GST करके जो लिखा हुआ है इसको भी आप नॉट एप्लीकेबल ही रखिए, क्योंकि GST एप्लीकेबिलिटी यहाँ पे एप्लीकेबल किया हुआ है और यहाँ से हम लोग सारी डिटेल अपने यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप आइटम सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे भी नहीं डिसाइड करेंगे तो आइटम से आपका उठ जाएगा, बाकी अगर आप विदाउट आइटम सेल करते हैं तो ये चीज़ें आपको फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल हम लोग आइटम के साथ में सेल कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें मैं ऐसे ही रहने देता हूँ और इसको सेव करता हूँ। अब सेव करने के लिए आपको इंटर करके भी सेव कर सकते हैं, या तो Ctrl+A प्रेस करेंगे एक्सेप्ट हो जाएगा, और उसका आपको अगर देखना है तो यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ है एक्सेप्ट करके, तो आप हमेशा शॉर्टकट की यूज करिए। Ctrl+A हमें यहाँ प्रेस करना है, Ctrl+A मैंने प्रेस किया, एक्सेप्ट हो गया, हमारा सेल्स अकाउंट क्रिएट हो गया। अब उसके बाद आ जाती है दोस्तों आइटम की बारी। यहाँ पे एक कोई आइटम हम लोग बना लेते हैं तो सेम वही मेथड यूज करेंगे, Alt+C आइटम बन जाएगा। या तो बल्क में बहुत सारे आइटम बनाने हैं तो आप मास्टर में जाके वहाँ से भी आइटम बना सकते हैं। तो यहाँ पे बार बार आपको Alt+C करने की जगह आप वहाँ से बना लेंगे, तो वहाँ से बनाएंगे तो आपके जो आइटम लिस्ट हैं यहाँ पे दिखते रहेंगे साइड में, तो यहाँ से आप एंट्री करते समय सेलेक्ट कर लेंगे बस। ठीक है, यहाँ पे Alt+C किए आइटम बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ ABC आइटम मैंने डाल दिया अंडर करके है। अब यहाँ पे भी आप सब ग्रुप बना सकते हैं। तो अब जैसे मेरे प्राइमरी ग्रुप पहले से बना हुआ है तो यहाँ भी क्रिएट का ऑप्शन मिल जाता है, या Alt+C यहाँ भी कर सकते हैं। Alt+C किए सब ग्रुप बनाने के लिए, तो यहाँ पे जैसे मुझे टायर वाले कोई चीज़ें बनानी है, मैंने टायर ग्रुप का नाम रख दिया, ये प्राइमरी कर देंगे इसको। यहाँ पे भी उस ग्रुप से रिलेटेड भी आप GST डिटेल डाल सकते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट भी डालना ज़रूरी है। अगर आप यूनिट नहीं डालेंगे तो आपका कैलकुलेशन नहीं होगा, आइटम कितना आपने सेल कर दिया वो सारी चीज़ें दिखेंगी नहीं। तो यहाँ यूनिट डालना ज़रूरी है। यूनिट क्या होता है? नंबर्स, पीसेस। तो यहाँ पे जैसे मैं पीसीएस कर दिया, मेरा पीसेस, मैं एक पीस बेचूँगा, दो पीस बेचूँगा। यहाँ फार्मल नेम भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे ये जीएसटी के लिए ज़्यादा ज़रूरी रहता है, यूनिट क्वांटिटी कोड, यूक्यूसी कोड। यहाँ पे भी आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो ये आप ज़रूर डालिए, तभी आपका टैक्स कैलकुलेट होगा अच्छे से। अब अगर आपको डेसिमल प्लेसेस बढ़ाने हैं यहाँ पे, जैसे आप सेल करते हैं एक आइटम, तो यहाँ पे आप जीरो रहने दीजिए। आप सेल करते हैं मान लीजिए ग्राम वगैरह में, तो आप सेल करेंगे मान लीजिए 1.325 ग्राम, तो पॉइंट के बाद 325 जो है वो कैसे आएगा? यहाँ पे आप डेसिमल आप 3 रखेंगे तो डेसिमल के 3 डिजिट तक उसका कैलकुलेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे पीसेस था मेरा, तो मुझे यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी ये 3 रखने की, क्योंकि मैं 3 पीस 4 पीस इस हिसाब से सेल कर दूँगा। ग्राम वगैरह यहाँ पे रहने से आप रख सकते हैं, 3 रहने देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हमें जीएसटी डिटेल डालना ज़रूरी रहेगा, तो यहाँ पे आपका जीएसटी एप्लीकेबल कर देना है। इधर स्पेसिफाइड डिटेल कर देंगे, यहाँ पे एचएसएन कोड वगैरह आपके डाल देंगे आइटम के, और यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल करके टैक्सेबल जो भी है अपना सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे कितना परसेंट है, 18% वाला है, गुड्स है, सर्विस है, कैपिटल गुड्स। ठीक है, इसको सेव कर देंगे और इस यहाँ पर इंटर करके सेव कर लेंगे, या कंट्रोल ए करेंगे तो भी सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्वांटिटी पे आ गए, इसमें एक क्वांटिटी डाल दिए। अब आप देख रहे हैं कि 1.000 पीसेस करके आ रहा है। ठीक है, साथ में ऑप्शन दे रहा है निगेटिव स्टॉक, क्योंकि हमने इसका परचेज नहीं डाला हुआ है, इसलिए निगेटिव स्टॉक बना रहा है। तो सबसे पहले तो आपको वाउचर एंट्री जितने भी परचेज हैं अपने आइटम के वो आप डाल देने, उसके बाद फिर आप सेल दिखाइए परचेज करने के बाद में। फ़िलहाल हम लोग अभी सीख रहे हैं, तो मैं सीधा ही सेल से ही एंट्री कर रहा हूँ। इसका जो भी रेट रहेगा, रेट वगैरह आप डाल सकते हैं, और आइटम में भी आप जैसे यहाँ पे आप कंट्रोल इंटर करेंगे तो वापस से उसके डिटेल चेंज करने के लिए जा सकते हैं। तो किसी भी लेजर पे, यहाँ पे लेजर पे भी रहेंगे, कंट्रोल इंटर करेंगे तो वापस से उसका डिटेल चेंज करने के लिए आप जा सकते हैं। वैसे ही आइटम पे भी आप कंट्रोल इंटर करेंगे, यहाँ डिटेल चेंज करने के लिए जा सकेंगे। अब इसमें भी आपको F12 वाला ऑप्शन यहाँ भी मिलेगा, तो F12 आप यहाँ से भी प्रेस करके सारे ऑप्शन आप इनेबल कर सकते हैं। सो मोर कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे यस करेंगे, इसको भी सो आल वाले पे यस कर लेंगे। अब यहाँ पे जो भी पार्ट नंबर चाहिए आपको, उसको आपको यस कर देना है। जो भी डिटेल आपको चाहिए, जितने भी आपको अल्टरनेट यूनिट वगैरह मेंटेन करने हैं, बैच मेंटेन करने हैं, जो भी आपको डिटेल मेंटेन करने हैं, आप सबको इनेबल कर देंगे। अब यहाँ पे अपन रेट डाल देते हैं, वहाँ पे आपको इनेबल करने के लिए MRP वगैरह भी बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, मैंने रेट डाल दिया दोस्तों। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलेंगे। अब एक से ज़्यादा आइटम है तो नेक्स्ट आइटम भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इधर item 2 कर दिया, इधर मेरा पर ये भी टायर वाला आइटम है, ये भी PCS में है मेरा। इधर मुझे स्पेसिफाइड डिटेल मैंने यहाँ पे डाल दिया। इधर मेरा कुछ भी GST नंबर अलग है तो मैं GST नंबर अलग रखूँगा। मेरा एक ही कैटेगरी से रिलेटेड है तो मेरा एक ही सेम GST नंबर आ जाएगा। इस तरीके से फटाफट हमें क्रिएट कर लेने हैं जितने भी आइटम हैं। ये आप कितना पीस बेच रहे हैं, 2 पीस बेच रहे हैं, इसका रेट अपना कुछ और है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ आइटम इस तरीके से आता जाता है। अभी इसका टोटल भी अपने आप ही यहाँ पे इकट्ठा होते जाएगा। अब इधर आपको GST का डिटेल डालना है। आप GST इनवॉइसिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें GST के लेज़र भी बनाने पड़ेंगे, Alt+C करेंगे। तो यहाँ पे आपका विद इन स्टेट सेल कर रहे हैं CGST SGST का लेज़र बनेगा, आउटसाइड स्टेट कर रहे हैं तो IGST का लेज़र बनेगा। तो इधर CGST करते हैं, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस यहाँ ग्रुप में इसको रखना पड़ेगा। GST यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे, ये CGST का भी ऑप्शन आ गया, इसको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको परसेंटेज आप कैलकुलेशन डालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने आइटम में ऑलरेडी डाला हुआ है तो टैली अपने आप ही कैलकुलेट कर लेता है। यहाँ पे मेलिंग नेम में नेम एड्रेस आ रहा है, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको अभी सीधा Ctrl+A करेंगे और सेव हो जाएगा। अब आप यहां पे देख सकते हैं ऑटो कैलकुलेट होके अपना CGST आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, SGST भी कैलकुलेट करेंगे। SGST यहां पे डाल दिया मैंने, GST डाल दिया, इधर SGST या UT GST करके ऑप्शन है, ये सेलेक्ट किया, Ctrl+A किए, सेव हो गया, अपना GST आ गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहां पे 2081.52 रुपये लास्ट में टोटल आ रहा है। राउंड ऑफ का भी एक लेजर हमें बनाना रहेगा, तो यहां राउंड ऑफ भी बना लेते हैं। इधर लिख देते हैं राउंड ऑफ, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख देंगे इसको।
ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन अपने को सेलेक्ट कर लेना है टाइप ऑफ लेज़र में इनवॉइस राउंडिंग करके। तो ये जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे राउंडिंग हो जाएगा, नॉर्मल राउंडिंग इधर रख लेंगे, एक वन तक कर लेंगे। इसको भी कंट्रोल ए करके यहीं से सेव कर देंगे। आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक अपना 0.48 कैलकुलेट हो गया, अपनी टोटल इनवॉइस बन गई 2082 की। अब इसको भी आप कंट्रोल ए करके सेव कर सकते हैं या इंटर इंटर करके भी एक्सेप्ट करा सकते हैं सेव करने के लिए। तो यहाँ पे इंटर इंटर करते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट अपना बिलिंग का डिटेल आ जाता है। तो अपनी ये सेल इनवॉइस न्यू रेफरेंस ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिक इसका वाउचर नंबर यहाँ पे जो 1 नंबर डला था वो आ गया। ये नंबर आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये अपना अमाउंट आ गया, डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नरेशन लिख देंगे, ठीक है। ABC सेल्स करके मैंने कुछ भी है कि यहाँ पे इनवॉइस नंबर वगैरह आप डाल सकते हैं, नरेशन में इसका पूरा डिटेल डाल सकते हैं। तो एक प्रॉपर नरेशन आपको लिखना चाहिए, प्रॉपर एक नरेशन लिखेंगे तो आप कभी भी वाउचर ओपन करेंगे तो चीज़ें आपको याद रहेंगी, किस लिए मैंने सेल किया था, किसको सेल किया था, क्या इनवॉइस नंबर था, क्या चीज़ें था, सारा चीज़ें आप नरेशन में डाल के रख सकते हैं। अब यहाँ पे भी दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं साइड में, आप देखेंगे तो अदर वाउचर्स भी यहीं से आप चेंज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें कंपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन करके आ रहा है, तो सबसे पहले तो इसको आप देखिए। तो अभी मेरा छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रेशन है सिलेक्टेड है। आप एक से ज़्यादा कंपनी का रजिस्ट्रेशन मेंटेन करते हैं तो यहाँ से कंपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन में जाके आप उसका गुजरात रजिस्ट्रेशन का है तो आप गुजरात से सेलेक्ट करके वहाँ सेल कर सकते हैं। तो ये टेली 3.0 में नया ऑप्शन आ गया था अपना। बाकी ये वाउचर टाइप सेलेक्ट करने के लिए कर ही सकते हैं, इधर आप डेट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपको और किसी डेट में रखना है इस वाउचर को तो आप डेट चेंज कर सकते हैं। अदर वाउचर्स करके है, अदर वाउचर्स में जाने से और भी आपके क्रेडिट नोट वगैरह वाउचर दिख जाएंगे। यहाँ पे आप टाइप करके भी उसको इनेबल कर सकते हैं। इधर शो इनएक्टिव वाले भी ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ से शो इनएक्टिव पे जाके और भी जितने भी बचे हुए वाउचर्स हैं उसको भी आप देख सकते हैं। अब इसमें चेंज मोड करके है, बाकी ऑप्शंस भी हैं। पहले तो मैं इस वाउचर को अभी सेव कर देता हूँ, फिर बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इसको मैंने सेव कर दिया। अब मेरा ये जो वाउचर है ये दिखेगा कहाँ पर, तो सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ रिपोर्ट करके दिख रहा है, यहाँ भी दिख जाएगा। और ट्रांजेक्शन्स करके वाउचर्स और डे बुक यहाँ भी है, तो यहाँ भी आपको दिख जाएगा। तो डे बुक में चलते हैं, ये अपना वाउचर पड़ा हुआ है, इसको एंटर करते हैं। अब इसमें आपको क्या डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ, वो डिटेल अगर आपको देखना है तो आप यहाँ पर चेंज मोड पर चले जाएँगे। चेंज मोड पर जाने से इधर आइटम इनवॉइस एज वाउचर दो ऑप्शन दिख रहा है। तो अभी जो अपना ऑप्शन ये क्रिएटेड है ये आइटम इनवॉइस का है, यहाँ पे आइटम इनवॉइस अपनी बनी हुई है एज वाउचर, इसको आपको देखना है तो एज वाउचर पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी, क्या डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ। अब यहाँ पे बाई लिखा हुआ है, बाई मतलब डेबिट हुआ, टू लिखा हुआ मतलब क्रेडिट हुआ। अब इसमें भी आप देखेंगे F12 करके ऑप्शन है, तो F12 ऑप्शन भी यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। F12 वाले ऑप्शन में भी यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टीड ऑफ टू एंड बाय, तो टू और बाय की जगह में आप क्रेडिट डेबिट भी यूज कर सकते हैं। तो बाय और टू अगर आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है तो आप वही रखिए, अगर डेबिट क्रेडिट आपको ज़्यादा समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पे यस करके वहाँ पे डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं डेबिट हो रहा है लेजर अपना, पार्टी क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है क्योंकि ये सामान कहाँ पहुँच रहा है, पार्टी के पास पहुँच रहा है। क्रेडिट सेल्स अकाउंट हो रहा है, क्यों, क्योंकि सामान कहाँ से निकल रहा है, आपके पास से सेल्स अकाउंट से निकल रहा है। ये आइटम भी निकल गए अपने, इसलिए यहाँ से क्रेडिट हो गया आइटम भी। पार्टी जब अपने पास एंट्री लेगा तो ये डेबिट कर लेगा, परचेज कर लेगा, वो परचेज दिखाएगा। GST भी आपके पास से निकल रहा है, GST भी क्रेडिट होगा, ठीक है। राउंड ऑफ भी यहाँ पे 48 पैसा जो था वो भी क्रेडिट हो गया। तो राउंड ऑफ ऑटो कैलकुलेट होता है, तो डेबिट क्रेडिट अपने आप ही सेलेक्ट कर लेता है। तो इस तरीके से अपना एक वाउचर की एंट्री यहाँ पे क्रिएट हो जाती है, ठीक है दोस्तों। अभी आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा कि अपन मास्टर और वाउचर कैसे बना सकते हैं। डाटा एंट्री में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्हीं का है। अगर आप डाटा एंट्री कर रहे हैं तो बिना मास्टर वाउचर के आप डाटा एंट्री नहीं कर सकते, और इसके बाद आपकी रिपोर्ट भी नहीं बनेगी। तो सबसे मस्ट है आप बिना डाटा एंट्री किए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट था। अब उसके बाद हमें रिपोर्ट्स देखने हैं, तो रिपोर्ट्स भी इसमें ईजी एनालिसिस वाले रिपोर्ट सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पीरियड का आपको जब का भी रिपोर्ट देखना है आप उस समय का रिपोर्ट देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे मेन स्क्रीन पे आ जाएंगे तो यहाँ भी आपको हर जगह डेट का ऑप्शन दिखेगा, पीरियड का ऑप्शन दिखेगा, करंट पीरियड कब से कब तक का है। यहाँ पे भी आपको डेट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ से भी आप पीरियड चेंज कर सकते हैं। आपको जिस समय से जिस समय के बीच में काम करना है उसका पीरियड आप चेंज कर लीजिए, उसका रिपोर्टिंग जिस समय देखना है पीरियड आप चेंज कर सकते हैं।
अब यहाँ पे आपको सबसे नीचे दिख रहा होगा दोस्तों रिपोर्ट सेक्शन करके, तो यहाँ पे जो मेन रिपोर्ट है तो यहीं पे दिया हुआ है, बैलेंस शीट करके है, तो यहाँ बैलेंस शीट आपकी बन गई। ठीक है, आपके आपने सन्डरी डेब्टर्स लिया था, करंट एसेट्स में सन्डरी डेब्टर्स आपका दिख रहा है। ठीक है, इधर आपका लेजर दिख गया, इसके अंदर आप इंटर करते जाइए। बस इसमें इंटर और इस्केप की दो की बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटर इस्केप, इसीलिए बहुत ज़्यादा सिंपल है टैली। ठीक है, अपने रिपोर्ट्स यहाँ पे दिखते जाएंगे, आपके जो भी लायबिलिटी है, जीएसटी आपका क्या है, जीएसटी पेमेंट करना है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में है, ये आपकी लायबिलिटी हो गई। ठीक है, प्रॉफिट लॉस भी आपका यहाँ पे दिखेगा, अभी आपने परचेज वगैरह कुछ नहीं किया, सीधा सेल कर दिया, इसलिए 1764 रुपये आपका प्रॉफिट साइड में यहाँ पे दिख रहा है। तो आप परचेज वगैरह की एंट्री डालेंगे, एक्सपेंसेस डालेंगे बहुत सारे, तो सब प्लस माइनस करके दिखता है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है अपना प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तो यहाँ पे अलग से प्रॉफिट लॉस दिखता है, आपने इतने का सेल कर दिया, ठीक है, आपका इतना प्रॉफिट हो गया, एक्सपेंस वगैरह जो भी है आपका वो भी दिखते रहेगा। स्टॉक समरी देखनी है, आपने कौन कौन सा स्टॉक की क्या समरी अपने सेल हुई है, तो यहाँ से आप पीरियड चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे स्टॉक आइटम वाइज किया तो ये चीज़ें आ गई। अब इसमें आप कैटेगरी वगैरह भी मेंटेन कर सकते हैं, एफिलेबन में जाके, यहाँ से कंपनी वाले में जाके, इधर एफिलेबन से आप कैटेगरी वगैरह सब इनेबल कर सकते हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट है, और सेम चीज़ें आप यहाँ से भी इंटर करके सारे रिपोर्ट्स को आप देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका आउटवर्ड में दिखा रहा है कि आपने दो पीस आउटवर्ड किया है 910 रुपये। ठीक है, रेशियो एनालिसिस, आपको कितना क्या रेशियो, करंट रेशियो कितना है, ये सारी चीज़, डेबिट इक्विटी कितना क्या है, ये रेशियो के लिए है, अपना रेशियो आप एक अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तो अपना सब में 100% दिख रहा है, जब आपकी बाकी एंट्रीज भी होंगी तो ये रेशियो अपना ठीक होते जाएगा। ठीक है, ये तो मेन रिपोर्ट्स थी, रिपोर्ट्स के अंदर में अब डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में चलते हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएंगी, ट्रायल बैलेंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, कौन से ग्रुप में कितना अमाउंट अपना पड़ा हुआ है, यहाँ भी सब जगह आपको F12 ऑप्शन यूज कर लेना है। तो यहाँ भी अपन F12 ऑप्शन यूज करेंगे, यहाँ पे जो आपको यस नो करना है, ओपनिंग ट्रांजेक्शन, ये सब यस नो करके आप अपने हिसाब से अच्छे से रिपोर्टिंग वगैरह देख सकते हैं। तो F12 आपको ज़रूर ध्यान में रखना है, इंटर आपने ध्यान में रख लिया, एस्केप आपने ध्यान में रख ही लिया, यहाँ पे जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो सामने ही दिखती रहती हैं, हमेशा आप शॉर्टकट की यूज करिए, और F12 तो ज़रूर ही ध्यान में रखिए, उसमें बहुत सारी रिपोर्ट्स आपको F12 में यस नो करने का ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे अदर अपन अभी हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, तो यहाँ पे आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पे हेडिंग डली हुई है, ट्रायल बैलेंस है, डे बुक है, कैश फ्लो, फंड फ्लो, अकाउंट बुक्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स बुक्स में जाएंगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाते हैं। लेजर्स में यहाँ पे एक ऑप्शन है, लेजर में चले जाएंगे, जो भी लेजर का डिटेल देखना है इस लेजर में गए, आपको यहाँ से उसका डिटेल दिख जाएगा, और भी इसमें जो भी क्रेडिट डेबिट पड़ा रहेगा, पैसा आया नहीं आया, सब यहीं पर दिख जाता है। ठीक है, और इसमें शॉर्टकट की यहाँ पे भी रहती है, जैसे आप देख रहे हैं की अपनी हाईलाइट हो रही है, टी हाईलाइट हो रहा है, डी हाईलाइट हो रहा है, सी एफ, ये सब हाईलाइट हो रहे हैं, तो आप जो भी हाईलाइट की है आप अपने कीबोर्ड में वो की प्रेस करेंगे। जैसे मुझे ट्रायल बैलेंस में जाना है तो यहाँ टी मेरी हाईलाइट, मैं टी प्रेस करूँगा मेरा ट्रायल बैलेंस ओपन हो जाएगा, स्केप किए बैक आ गए, डी प्रेस करूँगा मेरा डे बुक ओपन हो जाएगा, स्केप किए बैक आ गए। वैसे अकाउंट बुक्स ओपन किए, एल दबाया तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अपनी ओपन होते चले जाएंगी। तो रिपोर्ट्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपोर्ट्स में ही आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। यहाँ पे सेल्स रजिस्टर वगैरह करके है, यहाँ से भी आप सेल्स रजिस्टर देख सकते हैं। अब इसमें साइड में भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, प्रॉफिट वगैरह शो करना है, कॉलमनार डिटेल देखना है, इसे कॉलमनार में गए, यहाँ पे और भी यस नो के ऑप्शन मिल गए, जो भी इनेबल करना है, बायर नेम देखना है यस कर दिए, एड्रेस देखना है यस कर दिए, उसके बाद कंट्रोल ए करके इसको एक्सेप्ट करा देंगे, ये हमारा रिपोर्ट पूरी जनरेट होके आ जाएगी। तो अभी एक ही वाउचर है, इसके नीचे बहुत सारे वाउचर्स आएंगे, और भी ज़्यादा रहने से रिपोर्ट्स आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ से मिल जाती है। तो रिपोर्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप जो भी एंट्री करते हैं उसकी रिपोर्ट बिल्कुल सही जनरेट होनी चाहिए, तो आपको ध्यान देना है। अब अकाउंटिंग बाद में फिर इन्वेंट्री वाले ऑप्शन आ जाते हैं, इन्वेंट्री बुक्स में भी आपको स्टॉक आइटम, गोडाउन वगैरह से रिलेटेड रिपोर्ट, स्टॉक ट्रांसफ़र रजिस्टर, फिजिकल स्टॉक ट्रांसफ़र रजिस्टर, सारे रिपोर्ट्स अपने को यहाँ पे मिल जाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में भी आपको सारी चीज़ें दिख जाएंगी। फिर उसके स्टेचरी रिपोर्ट आ जाता है दोस्तों, अपना जीएसटी रिपोर्ट, जो भी आप पेमेंट करना है, आपको टैक्स वगैरह लेना है, क्लेम करना है, ये सारा चीज़ें आपको यहाँ पे जीएसटी रिपोर्ट से दिख जाती हैं। इसमें भी कई सारे सेक्शन हैं अपने, तो GSTR1 आपका सेल्स का जो रिपोर्ट है यहाँ पे दिखेगा।
ठीक है। अब यहाँ पे आपको एरर वगैरह भी कुछ रहेंगे तो एरर भी दिखते रहेगा। अब एरर में क्या दिखा रहे हैं कि अपना इसका पार्टी का जीएसटी नंबर सही नहीं है, तो अपन गलत डाले थे, आप सही वाला डालेंगे तो एरर में नहीं दिखाएंगे चीज़ें, ठीक है। 3B भी अपना जनरेट हो जाता है, एनुअल कंप्यूटेशन वगैरह, ये जीएसटी टैक्स से रिलेटेड अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। तो धीरे धीरे आप जैसे जैसे काम करेंगे चीज़ें सब समझ में आती जाएंगी। बाकी लोग तो बहुत ही एडवांस तरीके पे काम करते हैं तो उनको सब चीज़ें पता होती हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक्सेप्शन रिपोर्ट्स आ जाता है। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स में आपके लेजर्स कौन कौन से हैं विदाउट ईमेल आईडी जो डले हुए हैं, ये भी बहुत अच्छी रिपोर्ट्स यहाँ पर जनरेट होती है, काफ़ी आपको हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है। ऑप्शनल वाउचर कितने हैं, कैंसिल वाउचर कितने हैं, पोस्ट डेटेड आपने कौन कौन से वाउचर डाले हैं, तो इस टाइप के भी वाउचर डलते हैं। ऑप्शनल वाउचर का इफेक्ट कहीं नहीं पड़ता है, आपने किसी वाउचर कैंसिल कर दिया तो यहाँ से आपका रिपोर्ट दिख जाएगा। पोस्ट डेटेड कोई वाउचर है, मतलब अपना अभी डेट कुछ और चल रही है, अपना पोस्ट डेटेड वाउचर कोई सा है, जैसे पोस्ट डेटेड वाउचर आपको डालने हैं, अब मान लीजिए यहाँ पे आपने ओपन करके रखा कोई रिपोर्ट, अब यहीं पे आपको कोई वाउचर डालने हैं तो आप आल्ट ए करेंगे तो यहीं से आप वाउचर डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप नीचे देखेंगे ऐड वाउचर करके ऑप्शन भी आ रहा है, तो आपको आल्ट ए प्रेस करना है, यहाँ पे वाउचर का ऑप्शन आ गया। अब इसको पोस्ट डेटेड आपको एंट्री करनी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंट्रोल टी प्रेस करना है पोस्ट डेटेड के लिए। तो आप जैसे ही कंट्रोल टी प्रेस करेंगे इधर पोस्ट डेटेड का ऑप्शन आ जाएगा, पोस्ट डेटेड आपका जब उस डेट आ जाएगी वाली डेट तभी ये उसमें आ गया इफेक्ट में। कैंसिल का भी ऑप्शन यहीं पे नीचे आ रहा है, कैंसिल वगैरह करना है कर सकते हैं। ऑप्शनल के भी वहीं पे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे साइड में आप देखेंगे ऑप्शनल का भी ऑप्शन आ रहा है, तो कंट्रोल एल करने से ऑप्शनल वाला वाउचर ओपन हो जाएगा। तो ये ऑप्शनल का वाउचर, ऑप्शनल वाउचर का इफेक्ट आपका प्रॉफिट वगैरह में नहीं जाता है, ऐसे ही पड़े रहता है इसको जब तक आप फाइनल एंटर करके इसको ऑप्शनल नहीं हटाएंगे। तो ये सारे वाउचर्स भी आप यूज कर सकते हैं समय समय पर आपके ज़रूरत के हिसाब से, कि आपको बैलेंस शीट वगैरह में नहीं शो करना है, आपको बस वाउचर एंट्री डाल कर रखनी है, तो आप ऑप्शनल वाउचर का यूज करिए, ठीक है। वैसे फिर अपना रिपोर्ट्स में निगेटिव लेजर्स कितने हैं, जिसमें अपना निगेटिव बैलेंस आ रहा है आना चाहिए, डेबिट आ रहा है क्रेडिट, किसी लेजर में क्रेडिट आना चाहिए आ रहा है डेबिट, तो निगेटिव वाले भी आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ओवरड्यू रिसीवेबल, ओवरड्यू पेएबल्स, जो आपका बिल वाइज डिटेल है, बिल वाइज डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ से कितना आपको लेना है पैसा, कौन से बिल का पेंडिंग है वो आपका दिख रहा है। तो ये बिल वाइज मेंटेन करने से ये फ़ायदा होता है कि आपका यहाँ पे दिखते रहेगा कितना ड्यू हुआ उसका, कितना कितने दिन से पेंडिंग है। तो रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो अगर आप सही एंट्री करेंगे, डेटा एंट्री अपना सही हुआ है तो आपका रिपोर्टिंग भी बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे भी ये वाउचर वेरिफिकेशन वाले भी कुछ ऑप्शन रहते हैं ये सब, ठीक है दोस्तों। अब अपना नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है शेयरिंग डेटा करके। तो जो भी आपने रिपोर्ट वगैरह सब तैयार कर लिया उसको शेयर भी करना है, किसी को देना भी है, तो शेयरिंग डेटा में आप मेल वगैरह कर सकते हैं, पे स्लिप वगैरह निकाल सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, पे स्लिप मतलब सैलरी वाला, ठीक है। इनवॉइस वगैरह कस्टमर के पास में भेजना, इनवॉइस भेज सकते हैं, कोई रिपोर्ट्स किसी को भेजनी है तो आप रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। शेयर कैसे कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, सेव PDF कर सकते हैं, और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं सेव करने के लिए। जैसे मान लीजिए मुझे ये मेरा वाउचर है, ये मैंने इंटर किया, ये ओपन हो गया, मुझे इसका प्रिंट निकालना है, इनवॉइस की प्रिंट निकालनी है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल पी करूँगा तो मेरा प्रिंट वाला ऑप्शन आ जाएगा, या तो आल्ट पी करने से भी यहाँ पे ऑप्शन आता है, कंट्रोल पी करेंगे सीधा प्रिंट पे ही चले जाएंगे, आल्ट पी करेंगे या ऊपर में यहाँ पे आल्ट पी पे क्लिक करेंगे तो ये करंट का प्रिंट करना है कि कुछ और भी चीज़ें प्रिंट करनी है ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर वगैरह भी कर सकते हैं, आपको किस टाइप का प्रिंट चाहिए, PDF में चाहिए, आपका प्रिंटर यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, तो सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऊपर में आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, आप करंट में जाइए, यहाँ से आप प्रीव्यू देख सकते हैं, ये अपना इनवॉइस कुछ इस तरीके से अपना प्रीव्यू आ गया। इसमें अगर कुछ ऐड करने हैं, आपको ऑप्शन वगैरह कुछ अलग भी रखने हैं तो यहाँ से आपको कॉन्फ़िगर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन है, इधर शो मोर करने से और भी चीज़ें आ जाएंगी। तो जो भी चीज़ें आपको इनेबल करनी है, पार्ट नंबर वगैरह चाहिए वहाँ पे, GST का क्या चाहिए, परसेंटेज वगैरह शो होना चाहिए, तो ये सारे ऑप्शन हैं, आप इनेबल करके फिर उसके बाद आप प्रिंट निकालेंगे तो प्रॉपर आपकी इनवॉइस प्रिंट में निकल जाएगी। और शेयरिंग में यहाँ पर ईमेल का भी ऑप्शन आ जाता है, तो यहीं से आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आपको सेटअप करना पड़ेगा, तो आप पहले अपनी लिस्ट क्रिएट कर लीजिए ईमेल की, ठीक है। तो मेरा ईमेल आईडी वहाँ पे जब मैंने कंपनी क्रिएट किया था तो वहाँ पे मैं डाले रहूँगा, तो यहाँ पे ईमेल आईडी अपना अपने आप आ जाएगा उसका, जिसको भी आपको ईमेल करना है उसको आप मेल कर सकते हैं। यहाँ पे मेल टू कर देंगे, कोई मैसेज डालना है मैसेज डाल के उसको भेज देंगे।
फिर उसके बाद पीडीएफ या एक्सेल वगैरह निकालना है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट से भी अपन इसको पीडीएफ या किसी में भी निकाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे मेरा एक्सएमएल का ऑप्शन दिखा रहा है, जो मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर में जाके इसको चेंज कर सकता हूँ। तो इसमें भी सो मोर का ऑप्शन है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। इधर एक्सएमएल जहाँ पर लिखा हुआ है एक्सपोर्ट सेटिंग में, तो इधर जाके अपन चेंज कर लेंगे। एक्सेल है, एसीआई है, एचटीएमएल, जेपीजी, पीडीएफ, आपको पीडीएफ इनवॉइस सेव करके रखना है, आप पीडीएफ सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको सिग्नेचर वगैरह डिजिटल वाले डालने हैं तो आप ऐड कर सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर भी टैली के अंदर में, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं दोस्तों। और भी इसमें एक इम्पोर्ट का भी ऑप्शन है यहाँ पे, तो आपको मास्टर्स कोई वाउचर्स मास्टर्स वगैरह टैली में इम्पोर्ट करने हैं, क्रिएट करने हैं, मतलब आपको एक एक एंट्री ना डालनी पड़े, आप इकट्ठा चाहते हैं कि पोस्ट कर लें, आप बल्क में अपलोड कर दें टैली के अंदर अपने डेटा को, तो आप इम्पोर्ट का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं यहाँ से। इम्पोर्ट के ऑप्शन में आपका एक्सएमएल वाला वर्क करता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अपन ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो को और भी अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ हो सके इसका। और वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, क्योंकि ये सारी वीडियोज अभी नेक्स्ट अपनी सीरीज जो है टैली प्राइम ट्यूटोरियल की सीरीज अपनी कंटिन्यूसली आने वाली है, तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए चैनल को। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।